गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवनार बकरा मंडी. आज है July 3rd. इट इज़ आई अंडरस्टैंड Day 5 ऑफ देवनार बकरा मंडी. और सुबह में आया हूँ मैं क्योंकि दोपहर में कहीं और शूट है मेरी. अस्सलाम वालेकुम सर, आपने लिया है या आप बेचना है? एक विलायती है तो बेचना. कितने दांत पर है सर? 4 दांत. कितना मांग रहे हो? कितना मांग रहे हो? 90,000 रुपये. मांग रहे ठीक है. मैंने एक वीडियो अपलोड किया हूँ मोहित और शेख सुल्तान की इंस्टाग्राम रील्स, डू चेक दैट आउट. उसमें है विलायती मिंडे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियां हैं धक्का गेट पर. 6 गाड़ियां हैं धक्का गेट पर. तो ये जो बकरे हैं बेसिकली दीज आर नॉट फॉर सेल. ये किसी कुर्बानी के बकरे हैं जो नॉर्मल बकरों के साथ आए हैं. ये उतरा है माल. प्रॉब्ली सस्ती बकरे जिसको चाहिए उसके लिए ठीक है. बारिश हो रही है दोबारा. मैं आपको बताता हूँ, एक और गाड़ी खाली हो रही है वहाँ पर. कौन से बकरे बताता हूँ आपको. तो ये छोटे छोटे बकरे उतरे हैं. कुछ क्वालिटी माल वैसा नहीं है अगर आपको बड़े बकरे चाहिए तो. इतनी गाड़ियाँ दिखती नहीं रही आज, अदरवाइज मॉर्निंग में होती है काफ़ी गाड़ी. एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट इट इज रेनिंग. पहले बाहर मिल गए इन द मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आसिफ. आसिफ भाई कहाँ से आए हो आप? वर्ली. और कितने का मिल गया ये बकरा आपको? बकरा 42 मिल गया. और पहले कितना बोला था उसने? इसका बोला था 60. और इतनी सुबह से भी आए कि कल रात से घूम रहे हो? कल रात से घूम रहा हूँ भाई, 9 बजे. बहुत ही घूम लिया आपने. हाँ और एक लेना है ना अपने को. जी. माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोहेल एंड फैसल. हाउ आर यू फहद भाई? Golden Goat Farm. How are you? Good, good to see you. Where have you been? Here only. You haven't put up any setup in Jogeshwari? Not this year. Not this time? What about your farm? Is it still there or I have, you lost sold, interest? No. I've sold goats. I'm still having approximate 14 to 15 goats. Your decibels are very low. I have 14 to 15 goats now. Okay. I've sold rest of the goats. Have you been gallivanting since last evening or what? No. I'm from morning today. Morning today. Yeah. Okay. आप कब से हो? बस अभी है. इंजेक्शन देने आया सर तो बकरों को? यहाँ पे भी चालू हो गया, यहाँ पे तो है ना, जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे. ठीक. सबसे ज़्यादा कमाई तो आपकी है इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? और आपकी भी. मेरी नहीं. आप सुबह सुबह मेहनत है, मेहनत दोनों की है. लेकिन ज़्यादा बकरे बीमार पड़ रहे हैं यहाँ से लेके जाकर? हाँ, लोग कह रहे हैं क्या बहुत केसेस है. और क्या हो रहा है नॉर्मली? कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है और फूड एंड माउथ का प्रॉब्लम आ रहा है. बहुत डाउन लग रहे हो आप भी. नाश्ता नहीं किया? नहीं नहीं, खिचड़ा खाने है. खा लेंगे, आप भी खाओगे? फिर आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा. नहीं खाएंगे. नहीं, चलिए थैंक यू.
भाई साहब कितने में मिला आपको कश्मीरी? 28,500। और कितना बोला था इसका? बोला था 45। कितना? 45,000 rupees। 28,500। कितने दांत में है? पूरे 8 दांत। हाँ नहीं नहीं, मम्मी को देखना था ना आज का सीन कैसा है, तो मम्मी के लिए वीडियो बना। थैंक यू। इधर से नहीं, इधर से नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। चलो इधर से, इधर से उस्ताद। इधर से, इधर से पूछना किसको होगा। वाह, यूट्यूब पे चैनल है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं भाई। पकड़ो मार्केट भाई। आप बेच रहे हो क्या? खरीदे हो? खरीदे हो? क्या नाम है आपका? आदिल। आदिल, आदिल भाई बहुत अच्छा बकरा लिया आपने, ये रईस भाई लिए क्या? हाँ हाँ रईस। कितने का मिल गया? 95। यहाँ पर और एक 95,000। रुके रुके, सो पहले बायर है ये दोनों। क्या नाम है आपका सर? सलमान। सलमान, और आपका? आदिल। और आदिल कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग डोंगरी से ही आए। डोंगरी से, और आप कहाँ से आए? साथ में। बहुत अच्छा बकरा लिया माशाल्लाह। कितना बोला था पहले इसका? 120 बोला था उनने। 95 में ली। 95,000 रुपीज़। हाँ 95। बहुत अच्छा। अंदर पालने के लिए लिए? नहीं नहीं, कुर्बानी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। कितने दांत का है ये? ये कितने के हैं? देखे ही नहीं है हम, खाली बकरे को ही देखे। बकरा है इतना खूबसूरत, यानी छः दांत है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बकरे तो है, ज्यादातर व्यापारी सो रहे हैं। ये क्या है बे? आपने लिया? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? हयात खान भाई। ले लीजिए, बेचने आया हूँ। लिया नहीं आ रहा फार्म। क्या बोलते हैं? मैंने आपसे आपसे मिला नहीं हूँ। बोलिए लिए फार्म की। तो यहाँ पे क्यों लाए हो? ऐसे राउंड मारने के लिए, जरा वार्म अप करें बकरे के साथ। तो आपको नहीं लगता है आपके राउंड मारने के चक्कर में बकरे को थोड़ी तकलीफ हो? नहीं नहीं, क्यों भाई, मैं एक्टिव बकरा भी एक्टिव रहता माशाल्लाह। अपने डेफिनेटली बेचने का इरादा करके आए होगे ना? नहीं नहीं, ये भाई अपने को रखने हैं। हां इसका भाई जो मांग रहे भाई 80 मांग रहे हैं अपन लोग, बेचना है। हां जी भाई, कोई राउंड मारने ऐसे? हां इसके राउंड मारने जी भाई। 80,000 मांग रहे हैं माशाल्लाह, है बहुत खूबसूरत जी भाई। केपी है? हां भाई। कितने दांत हैं ये भाई? ये 6 दांत के भाई। 6 दांत हैं? हां ओके ओके। क्या नंबर क्या आपका? मोहम्मद हयात हुसैन। नंबर? 7977100608। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा चलाइए। बहुत शुक्रिया। और भाई को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो भाई। अच्छे अच्छे भाई बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह अपने भाई। या वह बहुत थैंक यू। चलिए भाई लोग बहुत भाई बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा उनको ध्यान दो भाई। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करो भाई। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए थैंक यू। सैलानी से मिल रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, रियाज नाम है। कैसे भाई, देखते हो हमारा चैनल? हाँ भाई, सब्सक्राइबर हूँ तुम्हारा, देखता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या पसंद आया देवलाल में इस बार? क्या भाई, देखा मैंने बकरे, बट थोड़ा मार्केट
काइट है, व्यापारी देने नहीं मांग रहे। मैंने दो बकरे भी लगाया, 60,000 लगाया, बट वो 75 से डाउन नहीं हो रहे थे। आप तो मैंने क्या बोलते हैं, वाह, कहाँ पर रहते हो आप? मैं मुमरा में रहता हूँ भाई। मुमरा से आए हो जी? और आपका क्या, अंडुल में? हाँ, अंडुल में भाई। तो क्वालिटी अंडुल तो वैसे और भी जगह पे है, आपने देवनार ही क्यों चुना? भाई देवनार कैसा है, बचपन से आता हूँ, और क्या बोलते हैं, सस्ता भी है और अच्छा भी है, और बहुत सारी वेराइटीज देखने मिल जाती है कम्पेयर टू फार्म के, तो इसीलिए। ठीक है, तो इतना बाड़ा घूम लिए, इतने बाड़े घूम लिए आपने, कहाँ पर हमें जाना चाहिए वीडियो बनाने जो अंडुल बकरे अच्छे देखने मिले? भाई पूरे ये मंडी पूरी ये पड़ी हुई है अंडुल, अंडुल क्वालिटी, ऐसे बकरे कहाँ पर देखने मिलेंगे? ये मुझे नहीं देखने मिले भाई, पहले तो घास वाले बाड़े में देखने मिलते थे, बट अब तो घास वाले बाड़े का हाल तुम्हारे सामने। बहुत लोग पूछ रहे थे घास वाले बाड़े की पागल मंडी की वीडियो बनाए, ये हो गया घास वाले बाड़े का हाल। बट भाई ये बार घास वाला बाड़ा वैसा रिया नहीं है, 90% भाई, जो गांव के बकरे भी भाई 2 तारीख को शायद 2 दिन बाद उतरने वाले मंडे को भाई। जी भाई 170 गाड़ी पीछे। चलिए थैंक यू। अपनी भाई कितने में लिया आपने? 20,000 में। क्या नाम है आपका? आपका नाम फाजिल भाई। फाजिल, नाइस टू मीट यू। क्या नाम है आपका? फाजिल सही है। फाजिल, और कहाँ के रहने वाले हो? जोगेश्वरी ईस्ट के। जोगेश्वरी के हो, माशाल्लाह। कितना मांगा था इसका पहले? इसका बोला, ज्यादा बोला नहीं, 28,000 बोला था मेरे को। 28,000-20,000 रुपये। और आपको 20,000, आपको लगता है अच्छा मिला है प्राइस? हाँ, वेरी गुड। बहुत घूमना पड़ा कि मिल गया जाते हैं? 10 बजे से ढूंढ ही रहे। क्या बात कर रहे हैं, अभी बज रहे सुबह के 8 बज रहे हैं, सो इतना लंबा समय ढूंढे क्या करेंगे भाई, मिला नहीं था, बजट कम था अपना ही बार। नहीं नहीं, 20,000 इज क्वाइट अ डीसेंट बजट। एक्चुअली हम लोगों ने 5 बकरे ऑलरेडी लिए हुए थे, इंडी गुड फार्म से एक कोटा लिया हुआ है। अच्छा, आपने लिए और 2 बकरे और लेके गए थे कल, बट ये और लेना था भाई को, तो इसके लिए आए थे हम। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। भाई साहब कितना मांग रहे हो इसका? कितना मांग रहे हो? कौन? कितना पैसा? 40 लाख। 40 लाख? हाँ, 40 लाख। क्या है इसमें 40 लाख? मेरे को ना चांदकोरे में। हाँ, चांदकोरे में। क्या है आप बताओ? चांद तारा। हाँ, चांद तारा। हाँ, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट। देवनार बकरा मंडी में हूँ मैं, और हर साल की तरह इस साल भी कोई एक बकरा होता है जो बहुत ही रिकॉर्ड बना लेता है प्राइस के मामले में। इस मरतबा ये जेंटलमैन लेके आए हैं, क्या नाम है सर आपका? बालाजी, बालाजी जाधव। बालाजी जाधव, और कहाँ के रहने वाले हो? परभनी। परभनी, महाराष्ट्र के ही हो? महाराष्ट्र। तो क्या चीज़ लेके आए हो? ये क्या है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल है ना? हाँ, ये देसी बकरा है अपना। हाँ। मैं पहले बकरा बता दूँ, सब बकरे में चांद कहाँ खिला है? ये चांद है और सितारा है। ये कौन सा वाला चांद है, कौन से दिन का चांद है? अमावस का या फुल मून है, क्या है ये? ऐसे कौन सी शेप में चांद होता है? ये ऐसा चांद तो मैंने बहुत कम देखा हूँ, आपकी खिड़की से दिखता है ऐसा? हाँ, ऐसे शेप में कौन सा चांद होता है? जो है तो सो है। तो ये इनके अनुसार चांद है। हाँ। और आपके तारे कहाँ पर है बकरे में? ये चांद, ये तारे। अच्छा, ये वाला चांद है। हाँ। ये तो सिंह जैसा है, मुझे सिंह जैसा लग रहा है, यानी दो चांद हो गए आजू बाजू, हाय हेलो कर रहे हैं बाजू में बैठ के। ठीक है, बस एक पकड़ के रखिए, इनकी मुंडी पकड़िए इनका। तो ये जो है इनके अनुसार चांद है, तो दो चांद खिल गए, एक रमजान ईद का चांद है लेफ्ट में, एक बकरा ईद का, और ये बीच में तारा है, गोल कलर, गोल तारा है ना। अब तो वो कविता चेंज करनी पड़ेगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्योंकि वो जो तारे का शेप होता है वो दिख नहीं रहा है अभी हमें। आपको दिख रहा है बराबर? चलिए, चांद और तारा, अगर किसी को लगता है चांद तारा दिख रहा है और आपको लगता है ये बकरा लेने से आपकी किस्मत चमक जाएगी या फिर आपकी कुर्बानी बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, तो आप इनसे संपर्क करें। दाम क्या है इसका? 40 लाख बता रहे हैं आप। 40 लाख आप बता रहे हो? 40 लाख में पता है लोग क्या ले सकते हैं? बम्बई में एक फ्लैट ले सकते हैं। बोलने का तो आप मेरे को, आप परभनी में शायद 10-12 ले सकते हो वैसे, है ना? क्या करते हो वैसे आप? मजदूरी करते हो? कितने बकरे पालते हो?
इसके? दो चार बकरे। दो चार बकरे ढूंढ के लाते हो? चांद तारे मार्स वीनस। अपने घर वाला है, घर के शिफ्ट। घर के, ठीक है। नाम क्या रखे हो इसका? राजा। राजा, तो राजा पे है चार चांद। वैसे राजा की उम्र कितनी है? 28 साल। अच्छा, राजा राजा का ये चांद दिखा कब आपको पहली बार? कब? 19 फरवरी 1920। आपको दिनांक भी पता है कि भाई ये तारीख को मुझे चांद दिखा? रात के 9 बजे आपने चांद देखा, और चांद भी रात को दिखा है ना, ये तो कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। और चांद देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? आपके नसीब खुल गए? तो जो घर वाले थे बुजुर्ग, वो बता रहे थे चांद होगा, तो खुशी से हम उतर रहे थे, अच्छा हुआ। हाँ, तो आपके कारोबार में कुछ इजाफा हुआ उससे? आपके बिजनेस में, आपके मजदूरी में, कुछ पैसे में बढ़ोतरी हुई क्या? आपने ज्यादा कमा लिया? अच्छा, ये आए पर सब अच्छा था। सब अच्छा, तो अब इससे दूसरों की किस्मत चमकाओगे। 40 लाख ही मांग रहे हैं। बालाजी नाम है आपका। आपका फ़ोन नंबर देना चाहोगे लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो? 8608603192 है राजा। एक राजा के सामने आप बैठ जाइए, फ़ोटो ले ले आपका यूट्यूब पे डालने के लिए, और उसकी बुंडी, उसका चांद हमें दिखाइए। आप आगे आइए और ये चांद दिखाइए जो आपको रात को 9 बजे दिखा था, ठीक है? बैठिए दोनों। अरे साथ बैठिए, आप बैठिए या खड़ी हो जाइए, कोई बात नहीं, आपकी नज़दीक रखिए एक फ्रेम में। ये बाजू लाइए ना, दिख नहीं रहा है। इतना दो दो रस्सी क्यों बांधे हो आपने इसको? हाँ, बैठिए। भाई साहब, आप सभी को मैं सुबह सुबह चांद के दीदार करा रहा हूँ, चांद और तारे के, बालाजी साहब के। बकरा सुंदर है लेकिन आपका, उम्मीद करता हूँ बिक जाए। आपको उम्मीद है, देखिए 40 लाख आपको लगता है लोग ऐसा रेट सुन के खड़े भी रहेंगे यहाँ पर? कितना लग गया आप इसका बताएं? 25 लाख लग गया। तो आपने क्यों नहीं दिया 25 लाख? लग गया नहीं, लगा नहीं अभी तक। अच्छा, लगा नहीं आपको? लगता है 25 में बिक जाएगा? चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो चाहूँगा भाई 40 में ही बिके, ठीक है? मुझे पार्टी देना आप, फिर चांद पे पार्टी करेंगे हम। चलिए, थैंक यू। So on to the next person, Arshad bhai from Kulla. Assalamu alaikum Arshad bhai. Walaikum salam farma. Arshad bhai, bahut acha bakra hai aapke piche. Aap bakre ke usav jaoge, thoda bakra pura bata do. Bahut achi frame ka. Kya height hai? 41? Confirm. Aap yahan pe aa jaiye. Bakra chhod dijiye aap bhai. Ji, kya height hai? Fat bhai 41 to hogi. Easily hogi 41. 90 hoga easily. 90 par. 100 kg प्लस है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन बहुत बड़ी फ्रेम का होता है। एक्चुअली अंदर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बाहर लेके निकलेगा तो ऐसा लगेगा घोड़ा निकला है। कितने दांत पर रहेंगे? 8 दांत फ्रेश कर रहे हैं। एंड हाउ मच आर वी आस्किंग? 80,000 इज आस्किंग प्राइस। एक का आपको लगता है मुनासिब है? थोड़ा नेगोशिएट भी ज्यादा करते हैं देवनाथ में। अच्छा, इसीलिए आप मार्जिन भी ज्यादा बताते हैं? जी भाई, नेगोशिएट कर देंगे इंसान। दूसरा जो है वो वाला अर्शद भाई, बकरे बहुत दोनों जबरदस्त आउटस्टैंडिंग है। ये कितने दांत पर है? 8 दांत। और ये कितने किलो पे होगा आपके अनुसार? 90 प्लस। 105 kg पे आपने तोला था, ठीक है? 100 kg इज व्हाट ही इज सेइंग, बिलीव इट। लेकिन बहुत बड़ी फ्रेम के भाई, रुकने लायक चीज़ है कि कुर्बानी के लायक? कोई पाल सकता है अगले साल पालने के लिए? तो ये दूसरा वाला बकरा काफी मजबूत पायों में है भाई, काफी मजबूत पायों में है। कहाँ तक के जाएगा अगले साल तक के? ये तो जो पलाई करता है उसी के ऊपर। आप करते हो पलाई? जी भाई।
कहाँ पर है आपके सेटअप? कुर्ला वेस्ट में। कहाँ पर कुर्ला में? SCLR ब्रिज के नीचे हम लोग, वहाँ पे हमारा सेटअप है। और आप कितना लेते हो पलाई का चार्ज? नहीं भाई, हम लोग अपने ठीक है। आशीष भाई दोनों का कितना लाइक? 160 है फाद भाई। 1,60,000 रुपीज़ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल। ठीक है, आपका नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों? 9870-54-8327। 9870-54-8327। ठीक है आशीष भाई, ये छोटे बकरे कोई सस्ता भी तो बता दो हम गरीबों के लिए। अरे भाई दो दांत फ्रेश है। 17,000 अजमेरा बकरा। 17,000 24,000 आई लाइक दिस प्राइस। ये नेगोशिएबल है ना सारे? 24,000। ये अंडू है सारे? अंडू है, ये खस्सी भी और ये दो खस्सी है। ये खस्सी है, ये खस्सी है भाई। कितना है गुजरी का? 23। और कितने दांत पे है? दो दांत पे हैं। वंस अगेन आपका नंबर बताइए चिल्लाकर। 9870-54-8327। अर्षद भाई थैंक यू सो मच। अर्षद भाई, अर्षद भाई अच्छे बकरे हैं, सस्ते वाले दाम अच्छे हैं, महंगे वाले दाम कम हो सकते हैं, थोड़ा नेगोशिएट करेंगे, लेकिन बकरे अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। भाड़ा नंबर S4 में गाला नंबर 5 है भाई। S4 में गाला नंबर 5। गाला नंबर 5। थैंक यू अर्षद भाई, थैंक यू भाई साहब। कितने में मिला आपको ये भाई साहब? कितने में मिला आपको ये तीनों बकरे लिए? चार बकरे लिए भाई साहब। कितने में मिला आपको चारों बकरे? चारों बकरे भाई मेरे को पड़ा ना, ये बकरा 80,000 में, ये बकरा 48,000। ये 48,000 की जोड़ी मिला। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ब्लॉग बना रहे हैं जी जी भाई साहब, आपके बकरे हैं ये? कितना मांग रहे हो ये चॉकलेटी और वाइट का? ये दोनों का कितना मांग रहे हो? एक दस। और ये वाला जो है 65,000। और वो जो खजूरी कान मेरे है छोटा 35,000। कितना? 35,000। कौन सा भाड़ा है सर आपका? नंबर है कुछ? S2 के बाहर नंबर पता नहीं है। S3 बाड़ा गाला नंबर 9 के पास है। सर आप क्या हैं, कितना मांग रहे हो? 1,20,000 रुपये। इनके बकरे बहुत अच्छे हैं। भाई साहब आपके बकरे हैं दोनों? कितना मांग रहे हो? कितना? 75,000। 75,000 जोड़ी के? जोड़ी के 75,000 मांग रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बरेली से। बरेली से। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब, आपने खरीदा है ये? हाँ जोड़ी है। बात चल रही है? बेच रहे हैं। अच्छा बेच रहे हो, जानदार बकरे हैं। हाँ ये गांव से आए लड़के लोग। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सलीम खान। और सलीम भाई कहाँ से आए वहाँ? अपने बदायूं शरीफ से। बदायूं शरीफ से? बदायूं शरीफ के बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, हर बंदा बकरे बेचता है क्या? हाँ हाँ बदायूं बहुत आते हैं। बहुत बड़ा बकरा लाए हैं। कितना मांग रहे हो उसका? ये बड़े वाले अंडू का? हाँ इसका 100 पा रहे? 75,000 रुपीज़। कितने किलो पे होगा आपके हिसाब से? 105 ये 100। हाँ 100 के करीब लग रहा है मेरे को, शायद उतना होगा अभी मंडी में। जी कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहली मतलब आए हो देवनार? देवनार तो सही है, एक्सपीरियंस चल रहा है वो। पहली बार आए हो? नहीं पहली बार नहीं आए, बहुत पहले से आते हैं। तो क्या परिवर्तन आपको लगा देवनार में पहले जब आते थे? देवनार में पहले क्या, अभी पहले ये सफाई वफाई अब जो है अच्छी
सफाई अच्छी हो गई है उस बाजू, थोड़ा कम है लेकिन शायद वो भी अगले साल हो जाएगा। हाँ हाँ, उधर जो है थोड़ा जो, क्योंकि ये बारिश की वजह से जो पैर है ना, तो इस मरतबा सफाई बहुत अच्छी है देवनार में। सफाई जो है सफाई अच्छी है देवनार का। राइट हैंड साइड आप जाओगे ना धक्का गेट से तो बहुत अच्छी है, लेफ्ट साइड आई थिंक टाइम लगेगा बनने का। तो कितना बोला आपने? 75,000 इसका। और एक था वो जो लेके आ रहे हैं उसका कितना मांग रहे हो? 75,000। डेढ़ लाख की जोड़ी है, डेढ़ लाख की जोड़ी है, लेकिन बकरे घोड़े जैसे। हाँ बकरे हैं घोड़े जैसे जो है उसका। हाँ जी, नंबर देना चाहोगे हमारे दर्शकों को आपका? हाँ हाँ, नंबर ले लीजिए। क्या नंबर है आपका? 9818 19 19 088 088 521 521 9818 19 088 521। ओके, और आपका नाम क्या बताया? सलीम खान। सलीम खान फ्रॉम बदायूं शरीफ, एसपी बाड़े के सामने। ये बाड़ा नंबर लिखा नहीं है लेकिन बकरे बहुत अच्छे हैं। बकरे सुन सुन के आ सकते हो आप, इतने अच्छे बकरे हैं माशा अल्लाह। दो ही लाया कि और भी है? अच्छा, इतना इतना दूर कितने बकरे लाए थे अपने टोटल? कितने बकरे लाए थे? बकरे ऐसा आए मतलब जो है गांव से आए थे, जैसे ऐसा होता है ना गाड़ी में, किसी के 20 रहते हैं, किसी के 15, किसी के 30। अच्छा, तो आप यहीं से खरीद लेते हो फिर बेचते हो ऐसे? मतलब ऐसा आया ना, हम तो मान लो व्यापारी हैं, अगर बाड़े में किसी के 20 बचे गए, किसी के 30 बचे गए, गाँव जा रहा है तो कौन लेगा? हम ही लोग तो ले लेते। अच्छा, तो वो आप ले लेते? में 20-30 बच गए, 15 बच गए, 25-30 बचे, बाद में हमने बोला हमारे से डालो इन्हों को। आप कहाँ के रहने वाले हो? बम्बई की हो? जी प्रॉपर बदायूं शरीफ के। बदायूं शरीफ ग्राम। हाँ बदायूं शरीफ। वहाँ पर यूपी में कोई बड़ी मंडी नहीं लगती है जहाँ पे लोग जाए? क्योंकि मैं देखा हूँ ज्यादा यूपी राजस्थान वाले बम्बई आते हैं। दिल्ली में ही लगती है, लेकिन इतनी बड़ी होती है दिल्ली की मंडी क्या छोटी? दिल्ली की मतलब जो ऐसा है ना, यहाँ जैसे मार्केट है और दिल्ली में ओपन साइड में ऐसे लगा देते हैं। पहले हम लोग करते थे जामा मस्जिद के आगे। वो तो बारिश हो गई तो फिर राम भरोसे। मतलब वो पहले के टाइम क्या बारिश नहीं रहती थी, तो जो कपड़े के टाइम पे ना वो बनाते थे मीना बाजार के आगे जी दिल्ली में। लेकिन एक गाजीपुर मंडी भी है वहाँ पर। हाँ हाँ, गाजीपुर ऐसा है ना, जैसे ये अपनी दोनार जो है ना, वैसे गाजीपुर एक्सपोर्ट मतलब जो है हमेशा का चलता है जैसे यहाँ, लेकिन छोटा है इससे। हाँ ये भी जैसे मुंबई में, लेकिन देवनार का मजा देवनार में ही है। देवनार मतलब व्यवस्था यहाँ पे। हाँ हाँ, सिस्टम वो जो है मुंबई की जैसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बकरे बहुत अच्छे हैं। मनी नहीं कर रहा है कि भाई कैमरा हटाऊं। कितने दांतों पर है ये? पूरे दांत कटेंगे भाई साहब। आप एक मिनट हटोगे, एक फोटो हो जाए आपका, आप पीछे जाओगे पकड़ोगे, खड़े हो जाओ आप, एक फोटो हो जाए। दो हाँ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रह के खिलाओ उसको, कोई नहीं, खड़े रह के खिलाओ उसको। आप वहाँ पे खड़े हो जाओ पीछे, दोनों बकरे। जी 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 भाई, आड़ा आड़ा। हाँ बकरे थोड़ा आगे लो, बकरा दिख नहीं रहा आपका। हाँ माशाल्लाह, तो ये है बदायूं शरीफ के बकरे, माशाल्लाह टॉप क्वालिटी है। बहुत कम देखने मिले इस बार, अच्छी क्वालिटी है, हार्ड भी है, वजन भी है। हाँ 1.5 लाख रुपए के है, 100 पार है डेफिनेटली। ये तो मेरे ख्याल से ये मुझे 105 के ऊपर ही लग रहा है, वो थोड़ा उतरा है मेरे ख्याल से। लेकिन ये है हाइट वाला, घोड़े जैसा है। आई थिंक 41 हाइट होगी इसकी, आराम से 40 वाली बढ़ता 41 की हाइट है। ये भी आई थिंक 40 की हाइट का होगा। बहुत बढ़िया, आइए आप। ये है S3 बाड़ा का काला नंबर 9, उसके बगल में है एक गली, और यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन के बाजू में एग्जिट गेट भी है, कैंटीन के बाजू में, टंकी के बाजू में। थैंक यू सो मच। दोबारा नंबर दीजिए आपका, मोबाइल नंबर। हाँ हाँ, 9818 19 19 088 088 521 521। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाम रखे हो बकरे वापस घर पे पाले हो क्या? बस ले लिया व्यापारी से ये। हाँ घर के पलू भी रहते हैं, और मतलब जो है ले भी लेते हैं अपने यहाँ, तो ऐसे पलते हैं जैसे घर में बच्चे ही रहते। सबके घर में 2-4 बकरी ऐसी रहती है। प्रॉपर बदायूं शरीफ में सिटी में, कि गांव थोड़ा लग के जो गांव है वहाँ पर। हाँ हाँ गाँव है, वहाँ पे एक दरगाह है बड़ी फेमस, बड़े सरकार छोटे सरकार की, शाह सुल्तान अरफीन साहब, शाहविलाल रहमतुल्लाह अलैह, बदायूं में ही तसल्ली। बदायूं की जो है मैं देखता हूँ, एक तो ये लाते हैं, बर्बरी बकरे भी बहुत लेके आते हैं बदायूं से। ये मुरादाबाद, मुरादाबाद बदायूं की साइड में, बदायूं के बगल में, बदायूं का दिल बरेली, और बरेली बाजू हमारा मतलब रोयलखंड बोलते हैं किसी को। जी जी, रोयलखंड मतलब बरेली।
और ये जो बरबरी जाता है ना ये हाँ। संबल साइड से आती है, दिल्ली साइड से, मुरादाबाद से, रामपुर से। ओके जी। हाँ, ये इधर का जंगल रहता है। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई साहब आपका बकरा है वो किसका बकरा है भाई? ओ भाई साहब आपका बकरा है वो सफ़ेद वाला, कितना मांग रहे हो सर इसका? इसका कितना मांग रहे हो? 90,000 रुपये। अच्छा, जोड़ी का बेटा। हट जा, ये है इनकी वॉशरूम की व्यवस्था। तो ये था आज का ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।